कनाडा के दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरा नंबर तो नोट कर लेते हैं लेकिन मेरा नाम याद नहीं रखते हैं, तो आगे से आप मेरा नंबर भी नाम के साथ में आप नोट कीजिए, तभी आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको जो भी उपाय देती हूँ, टोटके देती हूँ, जो भी मैं आपको वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वो सब ज्योतिष पर आधारित होते हैं, ज्योतिषीय तर्कों पर आधारित होते हैं, जिससे कि आपके उन ग्रहों से संबंधित समस्याएं आपको ना हों, जीवन में उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। दोस्तों, आज मैं आपको बुधवार वाले दिन धनी एक कुछ अचूक प्रयोग देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो पूरा देखें। इसके साथ ही मैं आपको अमृत की बूंद और जादू अक्षर दूंगी, राहु काल और अजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, और साथ में कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली, उसे जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। साथ में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, एक बार तो वीडियो को कम से कम पूरा देखा करिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप किसी ज्योतिषी समस्या के बारे में मुझसे जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो मेरा स्क्रीन पर नंबर रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है अपनी समस्याओं से निकलने के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम के आधार पर ही मैं आपको इसका सोल्यूशन देती हूँ, जो कि आपके लिए सटीक होते हैं, जिन्हें आपको स्वयं से करना होता है, और आपको कुछ ही समय बाद अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलने लगती है। आज जो मैं दोस्तों आपको देने वाली हूँ धनिये के कुछ अचूक प्रयोग, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़े, धन वैभव ऐश्वर्य बढ़े, घर में आपके शुभता का निवास हो। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या आपकी बरकत नहीं हो रही है पैसे में, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप हर बुधवार को एक धनिये की गड्डी, हरे धनिये की गड्डी आप लीजिए, गणेश जी को अर्पित करने के बाद उसको गाय को खिला दीजिए, बच्चा है तो बच्चे के हाथ से खिलवा दीजिए, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उस बच्चे के हाथ से खिलवा दीजिए। आप हर बुधवार को आप ये हरे धनिये की गड्डी गाय को खिला दीजिए, गाय को ये हरा धनिया खिलाने से उस बच्चे का बुद्ध प्रबल होगा, अगर आपके साथ है तो आपका भी बुद्ध प्रबल होगा, इसके साथ में भी धन के आपको टिकने लगेगा आपके घर में धन। इसके अलावा दोस्तों एक प्रयोग मैं आपको दे रही हूँ, अगर इसको आप शुक्रवार को और बुधवार और शुक्रवार दो दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। घर के मंदिर में आपको सुबह के समय एक कांच की बाउल में खूब ज्यादा सा धनिया भर के रखिए, इसके ऊपर ही आप दीपक लगाइए, घी का दीपक लगाइए, उस घी के दीपक में आप लाल कलाबी की मूली डालिए और उसके अंदर 5 दाने धनिया के डाल दीजिए, धनिया के ऊपर ही आप दीपक लगा दीजिए, अपनी रोज की पूजा कीजिए, इस दीपक को लगा रहने दीजिए, इसमें आप अपनी पूजा कीजिए, जो भी मनोकामना है वो मनोकामना कहिए, गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कीजिए और साथ में माता मां लक्ष्मी के मंत्रों का ध्यान कीजिए। 5 बुधवार आप इसी धनिया के ऊपर रखकर दीपक लगाइए, धनिया यही रखा रहने दीजिए और इसके ऊपर दीपक लगाते रहिए। 5 बुधवार के बाद में आप इस धनिया को उठा लीजिए, इसमें से थोड़ा सा धनिया कागज में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जहां आप धन पैसा गल्ला रखते हैं, थोड़ा सा धनिया कोई 8-10 दाने अपने पर्स में रख लीजिए, आप थोड़ा सा धनिया आप अपने उत्तर दिशा में प्लेस कर दीजिए, उत्तर की दिशा में कहीं भी एक पॉलिथिन में या हरे कपड़े में बांधकर उसको प्लेस कर दीजिए, और बाकी का बचा हुआ धनिया थोड़ा सा क्रश करके, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके किसी मिट्टी के गमले में पहले थोड़ा सा मिट्टी हटाइए, ये धनिया डाल दीजिए उसके अंदर, ऊपर से फिर मिट्टी डालकर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। ये धनिया जैसे जैसे आपके घर में अंकुरित होने लगेगा, आपके घर में बुद्ध की औरा बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका बुद्ध प्रबल होने लगेगा, घर में धन वैभव ऐश्वर्य और वृद्धि होने लगेगी, घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों, आजमाइएगा जरूर, चमत्कारिक प्रयोग है, इसको आप हर 2-3 महीने में एक बार कीजिए। बुद्ध की आपके घर में जैसे जैसे आपके औरा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि घर में बुद्ध का ठीक होना इसलिए भी जरूरी है, अगर आपका बुद्ध प्रबल होता है, आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है और आपके जो भी कार्य आप करने जाते हो उसमें आपको सफलता मिलती है, इसलिए दोस्तों इसे आप लोग जरूर कीजिए। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है,
प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रेमों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभाव है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग में जब आप इनको लिखने लगते हैं, इन प्रयोगों को करने लगते हैं, तो आपको इनसे सुफल मिलने लगते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपके अटके हुए काम बनने लगते हैं, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ में सोच पॉजिटिव हो जाती है। दोस्तों, जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे हर सोच विकार पूरे होने लगते हैं। नेगेटिव सोच हमारे उन्हीं कार्यों को बिगाड़ती चली जाती है, हमारे भाग्य को खराब करना शुरू कर देती है। हमारा हर कार्य अटक अटक कर होता है या होता ही नहीं है, इसलिए हमेशा सोच को पॉजिटिव रखिए। सोच पॉजिटिव होने से आपके सोचे हुए कार्य में गति आ जाती है और जल्दी आपके कार्य पूरे होने लगते हैं। 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार, आज राहु काल का समय है 12:30 से 2:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नकारारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज अमृत की बूंद में आपको 1 हरी इलायची, 5 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा मिश्री के दाने के साथ में आप इसका चबा चबा कर सेवन करें। ऊपर से आप चाहें तो आप पानी पी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। जिनको डायबिटीज है इसमें से वो केवल 5 दाने मिश्री के खाएंगे, 1 हरी इलायची, 5 काली मिर्च के दाने और 5 मिश्री के दाने। अन्य लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो इसमें मिश्री का ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रयोग आपके जीवन में आपको बुध से, शनि से और शुक्र से, तीनों से शुभता प्रदान दिलाएगा और आपके आज जो सोचे हुए कार्य हैं वो पूरे होने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों पवन वाला पा। इस तरह से पवन वाला पा, इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए रेड कलर के पेंसिल की, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका पा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनके की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 28 जुलाई उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति इस अंक को लिखना चाहता है तो उसे अपने पास 24 घंटे तक रख सकता है, और जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें ये अपने साथ पूरे वर्ष भर तक रखना है। तो आपको करना क्या है, एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आपको 1 नंबर यानी 1 नंबर लिखना है, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखना है, बच्चों को स्कूल बैग में रखना है, तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में एक क्वेश्चन। आप किसी में बेटा लिखते हैं, किसी में बेटी लिखते हैं तो उससे मैं सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। जरूर आप लिखते रहिए, आपका रेंडमली सिलेक्ट होने पर आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कुंडलियों का विश्लेषण भी करती हूँ, तो आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ आपको फीस देनी होती है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है वो गुरु दर्शन सिंह जी का है, 15/11/1985 1 PM अमृतसर। इन्होंने लिखे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया है शादी का। आपका मकर लग्न की कुंडली है और गुरु आपका नीच का होकर लग्न में बैठा है। अभी आपकी शनि की 7:30 चल रही है। आपकी धनु राशि है, चंद्रमा की ही महादशा चल रही है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो आपको उपाय तो करने ही करने हैं। इसके साथ में ही आप जो मैंने अभी सोमवार पर एक शादी के लिए विशेष उपाय दिया, अगर आप पूरे तन्मयता के साथ यानी पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मन के साथ आप करेंगे तो इससे आपके विवाह के योग खुलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है तो आप मुझसे अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लीजिए, अपने विशेष उपाय ले लीजिए तो ये समस्या आपकी जल्दी दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए, एक बार पूरा देखिए और मेरा नाम जरूर याद कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। धन्यवाद।